हाउसिंग बोर्ड वार्ड 24 स्थित पीले पानी टंकी के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण पिछले 3 दिनों से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। संधारण कार्य के मॉनिटरिंग निगम अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे इस कार्य में लगे कर्मचारी कछुआ चाल से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी घासीदास नगर, फौजी नगर, कुरुद आदि क्षेत्रों के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। यहां के रहवासियों को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड 24 स्थित पीली पानी टंकी से पेयजल सप्लाई की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन इस पीली पानी टंकी के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी की वजह से 3 दिन पूर्व पानी टंकी से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बर्बाद हो गया। बर्बाद हो रहा पानी पूरी तरह से सड़कों में फैल कर लोगों के घरों तक पहुँच गया, जिससे लोगों के घरों में रखे सामान सहित अन्य चीजें खराब हो गईं। पानी टंकी के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी की जानकारी 3 दिन पूर्व नगर निगम जोन 2 के अधिकारियों को मिली थी। इसके बाद संधारण कार्य की शुरुआत की गई। अब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। नगर निगम प्रशासन द्वारा कुछ एक स्थानों को छोड़कर पानी टैंकरों से लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई की जाती है। जहां निगम द्वारा पानी टैंकर से पानी की सप्लाई की गई, वहां भरपूर पानी दिया गया। जहां सप्लाई नहीं की गई, वहां पानी ही नहीं दिया गया। जिनके घरों में बोर लगे हुए हैं, ऐसे लोगों द्वारा मानवता का परिचय देते हुए नगर निगम से पानी लेने वालों को पानी प्रदान किया जा रहा है। पानी टंकी में चल रहे संधारण कार्य की मॉनिटरिंग भी निगम के जल कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार नहीं की जाती है। दिन में तो संधारण कार्य में लगे कर्मचारी कार्य कर लेते हैं, और पानी टंकी परिसर में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से रात के समय कर्मचारी यहां खड़ी JCB मशीन की लाइट चालू कर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। पानी नहीं मिलने की वजह से कॉलोनी के लोग खासे परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने के ना तो कोई नेता तैयार है और ना ही नगर निगम के अधिकारी। पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, लेकिन बोर लगे घर मालिकों द्वारा इन्हें राहत प्रदान की जा रही है। पानी के नाम पर नगर निगम ने इन्हें उपेक्षित छोड़ दिया है। स्थानीय रहवासियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो PG प्रभाकरन बोल रहा हूँ। ये कॉलोनी निवासी है और पानी टंकी जैसे सामने रहता हूँ। ये पानी टंकी जो है ना, कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम था। वाल्व खोलते समय जो है उसका वाल्व जो है वो फेंका गया है, इसलिए उसका अंदर में जितनी पानी है वो पूरा पानी एक साथ बहने लगा। यहाँ से लेके वो एक मैंने कम्युनिटी हॉल का वो पार तक नाला में जाके गिर गया। तो इनका किसी का जो है ना दोष बोलना नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, खोलते समय बाल फेंका गया है। अब उसको समस्या ये है, अब वो बाल को जो है ना बनाते समय जो है वो उसको ये छुट्टी या वो अवकाश ये वो सब देखना नहीं चाहिए था। पब्लिक का जो है ना इमरजेंसी देख करके उनको रिपेयरिंग करके तुरंत लगाना था। मैंने जो है ना उन सब ऑपरेटर से बात किया, तो ऑपरेटर क्या बोला, ये सब लेके गया है और दुर्ग में जो है ना इसको बना रहे है। आज जो है ना दशहरा, आज नहीं हो पाएगा, कल बना करके वो आ करके जो है ना वो लगाएंगे करके बोले। आज जो हो सकता है वो आएगा, फिटिंग करेगा, लगेगा। पानी का व्यवस्था जो है ना कहीं कुछ नहीं किया है। अब इतना लोग रहता, कम से कम 3,500 लोग जो है ना एक कॉलोनी में रहता है। वार्ड 23, वार्ड 24, वार्ड 25, ये 3 वार्ड का जो है ना लोग यहाँ रहता है। अब वो तीनों वार्ड का जो है ना लोगों को पानी का परपूर्ति जो है इस अपना टंकी के थ्रू करता है। तो इनको एक या दो टंकी घुमाने से किसी का घर में पानी नहीं पहुँचेगा। खाली नाम मात्र जो है ना एक टंकी घुमा दिया, वो टंकी घुमा दिया। ये लोगों का भीड़ जब देखो, यहाँ भीड़ लगाता है और लोग उल्टा सीधा गाली बोलते हैं या कोई उल्टा सीधा कमेंट सुना के चले जाता है। और यहाँ का जो है ना पार्षद लोग, यहाँ तीनों पार्षद है, एक उषा शर्मा है, एक नीतीश यादव है और एक नौहर वर्मा है। ये तीनों पार्षद का क्षेत्र है ये। अब इन लोग ने आ करके जो है ना ये चीज़ का समस्या का जो है समाधान नहीं किया है, ना पब्लिक को शांत किया है। इसी का आक्रोश में आ करके जो पब्लिक आज जो है ना आपका सामने ये लड़ रहा है। मगर ये लड़ाई क्या चीज़ का है? इसको जो है ना टंगी जो है ना हर गली में टंगी घुमाना चाहिए, 3 दिन 4-4 टंगी घुमाना चाहिए और सबको जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी जो है देना चाहिए। और ये दे ही नहीं रहे और ना वो लोग देख रहे, सब इलेक्शन का चक्कर में है। कभी दुर्ग में, कभी
रायपुर में है, कभी उधर है, कभी इधर करके जो है ना, जब मैं फोन करता हूँ तो यही सब सुनने में आता है। ठीक, हमारा जो घर है परिसीमन के बाद से वार्ड 25 में आ गया है, जो कि जवाहर नगर में आता है। हम लोग इतने परेशान हैं, परिसीमन का दंश झेल रहे हैं, ना कचरा वाला आता है, ना टाइम पे पानी मिलता है। और उस दिन पानी टंकी वाल्व फूटने के बाद से हमारे घर में पानी घुसा, घुटने घुटने तक, डेढ़ घंटे तक हमारे यहाँ पानी भरा रहा। ना कोई देखने आता है, ना सुनने आता है। कचरे वाले के लिए भी हम लोग को बहुत परेशानी होता है, चार चार दिन कचरा वाला नहीं आता है। ये सब परेशानी सब पूरे वार्ड वासी और पूरे लोग हम लोग झेल रहे हैं। किसी को फ़ोन करो तो बोलते भैया आपका वार्ड इसमें आता है, आपका वार्ड कम है, हम उधर के सुपरवाइज़र हैं, ऐसा बहाना बना के लोग निकल जाते हैं। जी नहीं सर, चार दिन हो चुका है, कोई एक टैंकर नहीं आया, एक बाल्टी हमको पानी नहीं मिला है। हम लोग ढो ढो के दूसरे जगह से बोरिंग से नल से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ना कोई नेता, ना कोई पार्षद, कोई देखने झांकने तक नहीं आया। पानी तीन दिन पानी लीकेज हुआ है, डेढ़ घंटे तक पानी बहता रहा है और हमारे घर के सामने ऐसे लग रहा था कोई पानी का सैलाब आ गया, और कई घरों में पानी भी घुस गया है। लोग बहुत परेशान थे, आज तीन दिन हो गया है पानी नहीं आया हमारा घर में आ रहा है, और पानी की बहुत परेशानी हो रही है। कोई पार्षद, कोई नेता, कोई आया नहीं है कि कोई समस्या कॉलोनी वासियों की हल कर सके। हम बहुत परेशान हैं, कोई एक टैंकर भी नहीं आया कि कम से कम पानी आए। हम कहाँ से कैसे करके तीन दिन से हम ये कर रहे हैं, और इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और पानी की सुविधा को प्राप्त किया जाए। पानी टंकी के पंप संचालक कन्हैया गुप्ता ने कहा कि कार्य अंतिम चरण में है, साथ ही पानी टैंकरों से पानी की सप्लाई भी की जा रही है। हाँ सर, वो मेन डैम से जो प्लान होता है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, उसका कार्य नगर निगम द्वारा यूज करके चल रहा है, जो आज शाम तक पूर्ण हो जाएगा और निगम द्वारा टैंकर से सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है वैकल्पिक, और प्रयास जारी है, सारे काम होते जा रहे हैं आगे। क्या कहना, टैंकर तो चल रहे हैं कुछ इस क्षेत्र में, कुछ 32 एकड़ में, कुछ घासीदास नगर में, तो एक आध ही आपको दिखा होगा, बाकी टैंकर लगातार चल रहे थे। नहीं सर, निगम के द्वारा पूरी कोशिश है कि किसी भी लोगों को परेशानी पानी की ना हो सके, टैंकर लगातार चलाए जाए। बहरहाल पानी टंकी के सिस्टम में किन कारणों से तकनीकी खराबी आई, यह जांच का विषय बना हुआ है। नगर निगम द्वारा संसाधनों का रख रखाव और देखरेख नहीं किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई, जिसका खामियाजा कॉलोनी के रहवासी पिछले तीन दिनों से भुगत रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनने से रोकने नगर निगम के जल कार्य विभाग के अधिकारियों को निगम क्षेत्र की सभी पानी टंकियों में लगे संसाधनों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।